एक दिन एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया। तभी उसने देखा एक शेर उसकी ओर आ रहा है। कुत्ते की सांस रुक गई। आ तो काम तमाम है मेरा, कुत्ते ने दिमाग लगाया। उसने आगे कुछ सूखी हड्डी पड़ी देखी। वो आते हुए शेर की तरफ पीट करके बैठ गया और सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह शेर को खाने का मजा ही कुछ और है, एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएगी। उसने जोर से डकार मारी। इस बार शेर भी सोच में पड़ गया। उसने सोचा ये कुत्ता तो शेर का भी शिकार करता है, यहाँ से जान बचाकर भागने में ही भला है। और शेर वहाँ से जान बचाकर भाग गया। वहीं पेड़ पर बैठा बंदर यह सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा यह अच्छा मौका है, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ, शेर से दोस्ती भी हो जाएगी और उससे जिंदगी भर जान का खतरा भी दूर हो जाएगा। वो फटाफट शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई तो लोचा है। उधर बंदर ने शेर को सारी कहानी बता दी कि कैसे कुत्ते ने आपको बेवकूफ बनाया। शेर जोर से दहाड़ा और बोला, चल मेरे साथ, अभी काम तमाम करता हूँ उस कुत्ते का। बंदर को अपनी पीठ पर बैठा कर शेर कुत्ते की तरफ चल दिया। कुत्ते ने शेर को आते देख लिया, फिर से दिमाग लगाया, फिर से हिम्मत कर कुत्ता उसकी तरफ पीट करके बैठ गया और जोर जोर से बोले, साला इस बंदर को भेजे एक घंटा हो गया, एक शेर को फंसा कर नहीं ला सकता। यह सुनकर शेर ने बंदर को वहीं पटका और वापस पीछे भाग गया। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल समय में आत्मविश्वास ना खोएं और हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करें।